गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं 29 मई 2021 के करंट अफेयर के सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर का, और 29 मई 2021 का हम करंट अफेयर लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडारण परियोजना की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये की है किसने? पश्चिम बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने इसकी क्या की है, घोषणा की है। और यहां की अगर बात करें, यहां पे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? भिखारी पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा भिखारी भारत में कहां पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जल्दपारा और मैत्री योजना कहां पे शुरू की गई है, गई गई पश्चिम बंगाल में। तो मैत्री योजना शुरू की गई है कहां पे, पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने कहां पर नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, अगर इसकी बात करें हम, यहां पे की गई है कहां पे, मालदीव के अंदर। मालदीव के अंदर क्या किया जाएगा, महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। इसके बाद बात करें जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी है माले। क्या है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है जी माले। अब एक क्वेश्चन यहां से ये आता है, जो इंडिया है और मालदीव है इसके बीच कौन सा चैनल पड़ता है? तो इसके अंदर इंडिया और मालदीव की अगर बात की जाए तो इन दोनों के बीच कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल यहां पे क्या करता है, पड़ता है। या पूछ ले मालदीव और इंडिया कौन से चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं 8 डिग्री के माध्यम से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैसाख दिवस कब मनाया गया? हाल ही में जो वैसाख दिवस है वो कब मनाया गया है, वो मनाया गया है 26 मई को। कब मनाया गया है, 26 मई को वैसाख दिवस मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हेसी फिल्क किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? जो हेसी फिल्क है वो किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं, अगर इसकी बात की जाए तो वो किसके बने हैं, वो बने हैं जर्मनी की। और जर्मनी की अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है, यूरो है। तो जो हेसी फिल्क कहाँ के बने हैं, ये बने हैं जर्मनी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अगर इसकी बात करें हम, तो ये चुना गया है जगजीत पावड़िया को। किसको चुना गया बच्चों, यहां पे चुना गया है जगजीत पावड़िया को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुरण योजना, अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, वो है भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात करें आनंदी पटेल यहाँ के क्या है, गवर्नर है। उसके बाद मध्य प्रदेश ने कुशल श्रमिक को लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। कुशल श्रमिकों के लिए क्या की है, रोजगार सेतु योजना शुरू की है। जीवन शक्ति योजना मास्क महिला बनाएंगी 11 रुपए में। जीवन शक्ति योजना और मास्क जो है जो वो महिलाएं बनाएंगी मध्य प्रदेश में, ये योजना स्टार्ट की है। और इसमें जो एक मास्क होगा उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत होगी 11 रुपए। तो किसके आधार पर ये मास्क बनाए जा रहे हैं, ये जो योजना है जीवन शक्ति योजना के आधार पर ये मास्क बनाए जाएंगे। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया, एक जिला एक शिल्प अभियान जो शुरू किया है वो कहां पे किया है, वो किया है मध्य प्रदेश के अंदर। संकल्प योजना
किसके लिए बनाई गई जो उमरिया जिले से लागू हुई है, तो ये बनाई गई है बुजुर्गों की सहायता के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो कितने घोषणा की है जी, ये की है 143, 143। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। हाल ही में केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, अगर इसकी बात करें तो ये चुना गया है एमबी राजेश को। किसको चुना गया है, एमबी राजेश को चुना गया है केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा किस राज्य के हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं कहाँ के जस्टिस प्रशांत मिश्रा, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये कहाँ के बने हैं जी, ये बने हैं छत्तीसगढ़ के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है। यहाँ पे आएगा किसके, किसने नहीं आएगा, किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है जी किसके नाम पर, बलबीर सिंह के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है, बलबीर सिंह के नाम पर। और ये कहाँ के निवासी हैं, पंजाब के ये निवासी हैं, और इन्होंने इन्हों क्या मिला हुआ है हॉकी में, अगर बात करें तो हॉकी के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे बात करें हम पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है। और हाल ही में क्या गया है, पंजाब में एक नए जिले का गठन किया है, वो जिला कौन सा है अगर उसकी बात करें, वो है मल्लार कोटला जिला। कौन सा है, मल्लार कोटला जिला का यहाँ पे गठन किया गया है, और ये 23वां जिला बना है। और किससे अलग होकर इस जिले का निर्माण किया गया है, संगरूर से अलग इसको किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में डेविड मानिया किस देश की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने हैं, तो ये किसके बने हैं, इनकी बात करें हम कहाँ के बने हैं, ये बने हैं इजराइल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा शुरू की है, तो ये किसने की है, ये की है फ्री चार्ज ने। किसने की है, फ्री चार्ज ने ये सुविधा शुरू की है। तो ये था बच्चों आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।